गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. प्रीवियस वीडियो में हमने जो स्टडी किया था वो टॉपिक था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मींस रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. नाउ वी स्टार्ट टू लर्न सम पॉइंट्स विच इज रिलेटेड टू या विच आर नेसेसरी टू मेंटेन द जर्नल बुक. यानी आज हम वो पॉइंट डिस्कस करेंगे जो हम जर्नल बुक को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं. यानी नॉर्मली जर्नल बुक को मेंटेन करने के लिए उनको कंसिडर करना फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत जरूरी होता है. फर्स्ट होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट. फर्स्ट जो पॉइंट होता है कि ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, मींस रियल, नॉमिनल, पर्सनल. तो उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी एंट्री पास करनी है. फॉर एग्जाम्पल लीजिए, जैसे परचेज गुड्स, हमने गुड्स परचेज किया कैश बेसिस पर. अब इसमें क्या इन्वॉल्व है? फर्स्ट एक तो गुड्स और दूसरा कैश, ये दो चीजों का इन्वॉल्वमेंट है. तो गुड्स हमारे लिए क्या होता है? रियल अकाउंट. और कैश भी क्या होता है? रियल अकाउंट. तो परचेज करेंगे गुड्स तो क्या होगा? गुड्स कम्स इनटू द बिजनेस, गुड्स कमिंग इनटू द बिजनेस. तो यानी रियल के रूल के अकॉर्डिंग आने वाली चीज क्या होती है? डेबिट होती है. बताया था रूल ऑफ रियल अकाउंट, दैट इज व्हाट कम्स इन डेबिट. तो यानी गुड्स आ रहा है तो ये क्या होगा? डेबिट होगा. कैश गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, सो इट क्रेडिट. तो यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द अकाउंट इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन. यानी कौन से अकाउंट हमारे ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है, फर्स्ट हमको ये आइडेंटिफाई करना होता है. सेकेंड जो हमारा ट्रांजेक्शन है कि डिसाइड द आस्पेक्ट इफेक्टेड इन ट्रांजेक्शन. यानी कौन से आस्पेक्ट हमारे इफेक्ट हो रहे हैं. जैसे यहां पर मैंने आपको बताया था कि गुड्स इफेक्ट हो रहा है और कैश इफेक्ट हो रहा है, तो ये वो आइडेंटिफाई करना हमारे लिए जरूरी है. फिर थर्ड होता है विच आइटम डेबिटेड और क्रेडिटेड. फिर हमें आइडेंटिफाई करना होता है आस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद कि कौन सी चीज डेबिट होगी और कौन सी चीज क्रेडिट होगी. जैसे मैंने अभी लिखा था परचेज गुड्स में क्या हुआ था? गुड्स आया था तो गुड्स क्या हुआ था? डेबिट. और कैश गया था तो कैश क्या हुआ था? क्रेडिट. यानी हमको ये आइडेंटिफिकेशन करना होता है कि किस कौन सा आइटम डेबिट होगा और कौन सा आइटम हमारा क्रेडिट होगा. अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वी नेवर यूज ओनर और बिजनेस और फर्म्स नेम. हम कभी भी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते टाइम ओनर का और अपनी फर्म का नाम कभी मेंशन नहीं करते. यानी ना तो अपने बिजनेस के नेम को मेंशन करेंगे ना ही हम ओनर के नेम को मेंशन करेंगे. इंस्टेड वी यूज दैट थिंग विच वी पेड और रिसीव. उसकी जगह हम क्या करते हैं? हम उस चीज को रिकॉर्ड करते हैं जो या तो हम पे कर रहे हैं या फिर हमें रिसीव हो रही है. यानी जो चीज हमारे पास आ रही है या जो चीज हमारे पास से जा रही है, इंस्टेड ऑफ नेम ऑफ ओनर और बिजनेस फर्म. यानी हम कभी भी कोई भी ट्रांजेक्शन में फर्म के नेम को और ओनर के नेम को कभी भी मेंशन नहीं करेंगे. फिफ्थ पॉइंट है, वी यूज परचेज वर्ड परचेज अकाउंट फॉर गुड्स विच वी परचेज्ड. यानी हम अगर कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं तो उस परचेज किए हुए गुड्स को हम किस नेम से मेंशन करेंगे? हम उसे मेंशन करेंगे परचेज अकाउंट से. गुड्स वर्ड यूज नहीं करेंगे. क्या वर्ड यूज करेंगे? हम यूज करेंगे परचेज अकाउंट. यानी हम गुड्स के नेम की जगह परचेज वर्ड का यूज करेंगे. नेक्स्ट, रिटर्न गुड्स टू सप्लायर रिकॉर्डेड
विद द नेम ऑफ परचेज रिटर्न। यानी अगर हमने कोई गुड्स रिटर्न किया है सप्लायर को, ऐसा गुड्स जो हम रिटर्न कर रहे हैं, तो उस वर्ड की जगह हम क्या यूज करेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट, उसे भी गुड्स नहीं लिखेंगे। लौटाए हुए गुड्स को हम किस नेम से रिकॉर्ड करेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट के नाम से मेंटेन करेंगे। तो क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट है कि हमें आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हुआ है ट्रांजेक्शन में, विच अकाउंट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन, वेदर इट इज रियल, नॉमिनल और पर्सनल। Then decide the aspect या identify the aspect which affected in the transaction like goods, like cash, like any person. Then which item is debited or which item is to be credited? कौन सा item debit होगा और कौन सा item credit होगा, किसके basis पर करेंगे? जो account आपने identify किया है उसके rule के according, real हुआ है तो real के rule के according, nominal हुआ है तो nominal के rule के according, और अगर real हुआ है personal हुआ है तो personal के rule के according. Then we never use owner's or firm's name. Instead, we use the thing which we paid or received. हम कभी भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते टाइम अपना और अपनी फर्म का नेम मेंशन नहीं करते हैं, उसकी जगह क्या हमें रिसीव हो रहा है और क्या हमारे पास से जा रहा है वो चीज रिकॉर्ड की जाती है। Next, we use purchase account for goods which we purchase. हम अगर कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं तो उस गुड्स को हम किस नेम से रिकॉर्ड करेंगे, वी रिकॉर्ड विद द नेम ऑफ परचेज अकाउंट। Then next है कि if we return goods to supplier due to any reason, whether it is defective or whether not as per our requirement, तो अगर हम कोई गुड्स रिटर्न कर रहे हैं सप्लायर को तो किस नेम से रिकॉर्ड होगा, परचेज रिटर्न अकाउंट से रिकॉर्ड होगा। तो ये आपके सिक्स पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैं आपको बता रहा हूं नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका सेवेंथ, की गुड्स विच वी सोल्ड टू कस्टमर इज टू बी रिकॉर्डेड विद सेल्स अकाउंट। यानी अगर हमने कोई गुड्स अपने कस्टमर को सेल किया है तो फिर वो क्या होता है, वो हमेशा सेल्स अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो किस नेम से रिकॉर्ड होगा, परचेज अकाउंट के नेम से रिकॉर्ड होगा। वहीं अगर आप कोई गुड्स को सेल कर रहे हैं तो फिर वो सेल्स अकाउंट वर्ड के नेम से यूज होगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। सिमिलर है कि इफ कस्टमर रिटर्न गुड्स टू अस इट विल रिकॉर्डेड with the name of sales return। यानी अगर आपको कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किया है, if any customer return goods to us due to any reason, whether it is defective or as per his not his requirement, then it will record it with the name of sales return account। यानी अगर गुड्स सेल किया है और वापस आया है तो सेल्स रिटर्न हो रही है, तो मींस आपसे किस नेम से रिकॉर्ड करोगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट के नेम से मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको रिकॉर्ड करनी है। देन इफ देयर इज ए नेम ऑफ एनी पर्सन एंड इट इज नॉट क्लियर दैट ट्रांजेक्शन इज ऑन कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस, देन इट ऑलवेज कंसिडर्ड एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। Means, अगर आपको कोई ट्रांजेक्शन गिवन है जिसमें किसी पर्सन का कोई इन्वॉल्वमेंट है, कोई पर्सन का नेम आ रहा है, पर आपको ये चीज क्लियर नहीं है कि वो आपने जो ट्रांजेक्शन किया है कैश बेसिस पे किया है या क्रेडिट बेस पे किया है, यानी नगद किया है या उधार किया है, तो वो आप हमेशा क्या मानेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन की तरह आप उसको ट्रीट करेंगे। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूं
सोल्ड गुड्स टू विजय 5000, आपने 5000 का गुड्स विजय को सेल किया, पर ये चीज क्लियर नहीं है, विजय ने आपको हैंड टू हैंड इमीडिएटली पेमेंट कर दिया, ये चीज नहीं क्लियर नहीं है। तो ये क्या होगा कि मेन इट मींस आपने गुड्स विजय को क्रेडिट बेस पे सेल किया है, तो मींस ये ट्रांजेक्शन कौन सा माना जाएगा, ये माना जाएगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। वही अगर वर्ड ये यूज होता नहीं, सोल्ड गुड्स टू विजय ऑन कैश 5000, यानी अब आपने विजय को गुड सेल किया लेकिन कैश 5000 रुपीज से, तो ये आपका ट्रांजेक्शन कैश माना जाएगा। क्यों? कोई क्लियर मेंशन हो गया कि आपने गुड्स विजय को कैश बेसिस पे सेल किया। मींस अगर कोई ट्रांजेक्शन में किसी पर्सन का नेम इन्वॉल्व है और वहां पे क्लियर नहीं है कि ये ट्रांजेक्शन कैश है क्रेडिट, तो आप क्या कंसीडर करोगे, आप उसे हमेशा क्रेडिट ट्रांजेक्शन कंसीडर करोगे। अब एक चीज और देख लीजिए, इसी में एक है सोल्ड गुड्स और 5000, आपने 5000 का गुड सेल किया लेकिन यहां पर भी कोई मेंशन नहीं है कि आपने कैश सेल किया है या क्रेडिट सेल किया है, बट यहां पर किसी भी पर्सन के नेम का कोई भी मेंशन नहीं है कि आपने गुड्स किसको सेल किया है। विदाउट एनी पर्सन नेम, कोई भी पर्सन के नेम के बिना कोई भी ट्रांजेक्शन क्रेडिट नहीं हो सकता। यू कैन नॉट कंसिडर इट लाइक ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन बिकॉज देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी पर्सन नेम, तो इस वजह से ये ट्रांजेक्शन क्या माना जाएगा, कैश माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे किसी भी पर्सन के नेम को आपने मेंशन नहीं किया, तो ये चीज आपकी कंसीडरेबल पॉइंट होती है, काफी इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब आता है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है आपका, वो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि अगर सपोज कीजिए कैपिटल ऑलवेज काउंटेड इन पर्सनल अकाउंट। कल मैंने आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बताया था, उसमें एक पर्सनल अकाउंट था, उसमें एक पार्ट था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मीन्स ऐसे कोई भी आइटम जो किसी थर्ड पर्सन ओनर या बिजनेस फर्म को रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में काउंट करते हैं। इट मीन्स कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कैपिटल रिप्रेजेंटेड टू ओनर ऑफ द फर्म, तो कैपिटल किसमें काउंट की जाएगी, पर्सनल अकाउंट में इसको काउंट किया जाएगा। मीन्स कैपिटल ऑलवेज कंसिडर्ड एज एज द पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। ये चीज क्लियर हुई। अब 11th पॉइंट है, इफ वी परचेज एनी आइटम विच इज नॉट आवर डीलिंग गुड्स दैट इज कंसिडर्ड एज असेट्स, एज एन असेट्स। मीन्स अगर आप किसी ऐसे आइटम को परचेज कर रहे हैं जो आपका डीलिंग गुड्स नहीं है तो वो क्या होगा, वो असेट्स की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लीजिए, एक वर्ड है परचेज गुड्स 10,000, आपने 10,000 का गुड्स परचेज किया, एक ये लाइन है और एक है परचेज फर्नीचर 10,000, आपने 10,000 का फर्नीचर परचेज किया, तो ये तो आपके लिए डीलिंग आइटम्स है, ये गुड्स है क्योंकि आप इसमें डील कर रहे हैं, लेकिन फर्नीचर आपका डीलिंग आइटम नहीं है जब तक कि आपका बिजनेस फर्नीचर या गुड्स से रिलेटेड नहीं होगा। तो उस केस में आप क्या करेंगे, ये आपके लिए असेट्स की तरह ट्रीट होगा और ये आपके लिए कंसिडरेबल होगा किस वे में, डीलिंग आइटम के वे में। तो मींस अगर आपका कोई गुड्स डीलिंग आइटम आप परचेज कर रहे हैं, इट मींस वो आपका परचेज है, और अगर आप किसी नॉन डीलिंग आइटम को परचेज कर रहे हैं तो मींस वो आपके लिए असेट्स है। इज दैट क्लियर? तो ये मैंने आपको कुछ 11 पॉइंट्स आज कंसिडर कराए हैं जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखने होंगे एट द टाइम व्हेन यू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इनटू द आवर जर्नल बुक। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जर्नल बुक में ट्रांजेक्शन की एंट्री कैसे की जाती है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे उसको रिकॉर्ड किया जाता है, और वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल थैंक यू।